और इसी बीच आपको रायपुर से खबर बता देते हैं। रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भाजपा लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, राज्य सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव। 150 अलग अलग मुद्दों पर प्रस्ताव। आज भी सदन गरमाने के आसार, हंगामेदार हो सकता है ये सत्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी है? मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और जिसमें ये सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार है। बिल्कुल, देखिए कल हमने देखा कि जो पहला दिन था सत्र का वो काफी हंगामेदार रहा। टीएस बाबा के प्रकरण को लेकर जो विपक्ष है लगातार जो प्रदेश सरकार पर है उसमें कहीं ना कहीं हमलावर दिखाई दिया। उसके बाद दूसरे दिन अब कल देर शाम जो विधानसभा स्थगित कर दी गई, कल की कार्यवाही लगभग 3 घंटे बाद ही विधानसभा शुरू होने के स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और मुख्यमंत्री और टीएस बाबा से उनके इस्तीफे को लेकर प्रकरण में उनका वक्तव्य को लेकर लगातार मांग करती रही। जिसके बाद आज बात करते हैं, आज भी सदन गरमाने के पूरे आसार दिख रहे हैं क्योंकि आज जो विपक्ष है वो आज सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 150 से ज्यादा मुद्दे इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही ये एक पन्ने का अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी कल शाम को आसंदी को दे दी गई है। इस अविश्वास प्रस्ताव का अगर बात करते हैं, 14 विधायक बीजेपी के पास है, 3 JCCJ के समर्थन मिला है। इसके अलावा अगर बसपा भी समर्थन करती है तो पूर्ण रूप से पूरे जो विपक्ष है उसका ये अविश्वास प्रस्ताव रहेगा। सरकार को घेरने के लिए कई सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था और टीएस बाबा के इस्तीफे को, प्रकरण को इसमें मुख्य बिंदु के रूप में शामिल करके ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। देखते हैं इसमें बहस किस तरह से विपक्ष का प्रेजेंटेशन रहेगा कि इस सरकार को, क्योंकि विपक्ष का प्रेजेंटेशन इस मामले में बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक और बात करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रथम अनुपूरक बजट 2022-23 को भी पेश करने वाले हैं। 850 करोड़ से ज्यादा का ये अनुपूरक बजट है जिसको लेकर भी चर्चा आज होने वाली है। जी बिल्कुल रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी, वित्तीय 2022-23 के प्रथम अनुपूरक बजट करेंगे पेश।